पुलिस लाइन के मैदान में 69वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर उन्होंने शहीदों को याद करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की शपथ दिलाई। इसके साथ ही जुझारू पुलिस कर्मियों अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान पूरा मैदान पुलिस कर्मियों से भरा रहा। वहीं प्राइमरी स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्र ने 69वें गणतंत्र दिवस पर झंडा रोहण किया। साथ ही आजादी के महानायकों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे देश को आजादी दिलाने में हमारे शहीदों ने अपना बलिदान दिया। अगर उनके बताए मार्ग पर हम चलें तो हमारा देश तरक्की की राह पर अग्रसर होगा। देश की आजादी में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी के परिवारी जनों को अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर एडीएम सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट, एसीएम चतुर्थ सहित पोर्टिको कर्मचारी मौजूद रहे। आज पूरे हर्ष और उत्साह के साथ, पूरे उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस यहाँ कलेक्ट्रेट में मनाया गया। यहाँ हमारे कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके परिजनों को भी सम्मानित कराया गया। संविधान के प्रति शपथ दिलाई गई और लोगों से अनुरोध किया गया कि जो देश में इस समय विकास कार्य हो रहे हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें सब लोग अपनी सहभागिता सुनिश्चित। 69वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आर के भारद्वाज द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर कैंट सीओ प्रशांत वर्मा, एसपीआरए अमित कुमार सहित भारी संख्या में पुलिस कर्मियों ने उपस्थित होकर राष्ट्रगान गाया तथा तिरंगे को सलामी दी। डिरेका स्थित डीजल रेल इंजन कारखाना स्टेडियम में 69वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास एवं विविध रंगारंग तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाप्रबंधक रश्मि गोयल द्वारा ध्वजारोहण कर किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय धुन पर झंडे को सलामी दी गई। इस दौरान मार्च पास्ट किया गया। इस अवसर पर रश्मि गोयल ने दिव्यांग डिरेका कर्मियों एवं डिरेका कर्मियों के आश्रितों को दैनिक रूप से स्वावलंबी जीवन जीने के लिए आवश्यक उपयोगी उपकरण प्रदान किए। इस अवसर पर डिरेका परिसर स्थित संगीत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा योग प्रदर्शन, लोक नृत्य, गीत आदि की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में डिरेका कर्मी व उनके परिवारी जन मौजूद रहे। सहभागिता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फीथिएटर मैदान में 69वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। सर्वप्रथम झंडोत्तोलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद विभिन्न संकायों के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति पर आधारित नाटक, गीत, संगीत, नृत्य आदि कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर सभी संकायों के सदस्य छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी की सभी शाखाओं में धूमधाम से गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय की रामापुरा शाखा में संस्था के निदेशक द्वय अनंत चतुर्वेदी एवं आनंद चतुर्वेदी द्वारा ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली गई। इसके बाद बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम सबको अपने संविधान की रक्षा करना चाहिए और संविधान में बनाए गए कानून का हम सभी को पालन करना चाहिए। इस दौरान बच्चों ने आतंकवाद पर आधारित नाटक की प्रस्तुति कर सभी को सुरक्षित रखने के लिए सेना के जवानों को सलामी दी। इसके बाद विभिन्न देशभक्ति गीतों पर देशभक्ति से ओतप्रोत नृत्य, संगीत आदि कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम की सभी ने सराहना की। अंत में बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर शिवानी समीर, रिंकल सेठ, मधु चतुर्वेदी सहित समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। गीत आगे
सारे अवार्ड मिले हैं। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे कई रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी ब्रांच के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बच्चों का मेन मोटो ये है कि आज जिस तरीके से हमारे देश के ऊपर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उससे रिलेटेड एक प्ले बनाया गया है, जिसके बच्चे ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे जो शहीद हो रहे हैं जवान, उनकी रक्षा होनी चाहिए और इस देश में जो संविधान है उस संविधान की रक्षा करते हुए सभी को आगे बढ़ना चाहिए और सारे देश में कानून का पालन होना चाहिए। तो आज बच्चों को ये मैसेज दिया जा रहा है, इसी को लेकर आज यहाँ पर एक सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। थैंक यू वेरी मच। सेंट्रल एकेडमी परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं तथा ये बताते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है, क्योंकि आज के दिन संविधान लागू हुआ था और आज संविधान की रक्षा के लिए हमने बच्चों को सारे पेरेंट्स को ये बताने की कोशिश की है कि संविधान से बड़ा कोई नहीं है, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए संविधान का पालन करें और इस देश में दिए हुए लोगों की शहादत को सलाम करते हुए हम ये चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस देश की रक्षा के लिए तत्पर रहें, उन्नति करें और देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। गांधीनगर नरिया स्थित सनराइज इंटर कॉलेज में देश का 69वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉ. नीतू त्रिपाठी ने झंडोत्तोलन कर दिवस की गरिमा को बढ़ाया। राष्ट्रगान व देश के विभूतियों की जय जयकार के पश्चात पीटी व परेड का दृश्य अति मनोहारी रहा। तत्पश्चात देश के शहीदों और महान विभूतियों को याद करते हुए विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मंच पर अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें देशभक्ति से सराबोर गीत व नृत्य सम्मिलित रहे। प्रधानाचार्य डॉ. नीतू त्रिपाठी ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का समापन बच्चों में मिष्ठान वितरित कर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक गण, छात्र छात्राएं व उनके अभिभावक गण उपस्थित रहे। सिंह पटेल क्लास 7 राघव सिंह पटेल मंच पर आ जाएं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। आप सबके सामने प्रिंसिपल मैडम से इस बच्चे को पहनाने का आग्रह। मेरे लड़का गोल्ड मेडल पाया है, एक बार फिर जोरदार तालियों से इसका स्वागत करें। देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई है, दरिया से बड़ा you
स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा के प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ 69वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय समूह के सचिव एवं प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छात्रों की टोली तथा एनसीसी कैडेट्स के कदम ताल पर बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। फिर बच्चों ने एक के बाद एक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। कार्यक्रम में देशभक्ति के गीत व नृत्य से लेकर प्रांतीय गीत तक में देश के सपूतों की वीरगाथाओं की प्रस्तुति देकर दर्शकों को भावभोर कर दिया गया। छात्रों द्वारा भाषण का दौर भी चलता रहा। इस अवसर पर बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि संवैधानिक संरचना भारतीयों की वैश्विक पहचान तथा उनके मानस पटल की अस्मिता है। 125 करोड़ जनमानस के विजय की महागाथा है। हम सभी अपने कर्तव्य निर्वहन से इसकी अस्मिता बनाए रखने के उत्तरदायी हैं। वहीं प्रधानाचार्य सीएस सिंह ने कहा कि संविधान भारत के नागरिकों के बीच न्याय, स्वतंत्रता व सम्मान को सुनिश्चित करता है। इस अवसर पर गड़वाघाट शाखा के प्रधानाचार्य डॉ ए.के. चौबे, उप प्रधानाचार्य राजकुमार यादव, छात्रावास संरक्षक यमुना सिंह, आशा यादव, एस.के. शर्मा सहित समस्त शिक्षकगण, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण हमारी अस्मिता एवं विरासत की पहचान है। सभी राष्ट्रीय पर्वों पर फहराने वाला यह तिरंगा झंडा हमें हमारे नैतिक दायित्व की याद दिलाता है। सर्वप्रथम मैं इस गणतंत्रता दिवस की आप सभी को बधाई देता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, भारत की सभ्यता एवं संस्कृति की मिसालें विश्व के प्रत्येक देश में दी जाती हैं। हमारा देश विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। मानव सभ्यता का उद्भव और विकास भी इसी पवित्र भूमि पर हुआ है। दुर्गा कुंड स्थित संजय शिक्षा निकेतन व सेंट मार्गरेट कॉन्वेंट स्कूल में 69वां गणतंत्र दिवस उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य गीता देवी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद राष्ट्रगीत ध्वज वंदना की गई। इस अवसर पर बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक देशभक्ति से ओतप्रोत गीत नृत्य आदि कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। इस दौरान प्रधानाचार्य ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। अंत में बच्चों में मिष्ठान वितरित किया गया। इस अवसर पर प्रियंका यादव सहित समस्त शिक्षकगण व छात्र छात्राएं स्थित रहे। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को वंदे मातरम। प्रबंधक महोदय के मुख्य अतिथि के में कार्य का शुभारंभ हुआ। सुस्वाही स्थित नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में 69वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर राम शरण सिंह एवं विद्यालय के प्रबंधक राजेश राय तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. दिवाकर राय की गरिमामय उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि का स्वागत माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह देकर किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान हुआ। तत्पश्चात झंडे को सलामी देते हुए विद्यालय के स्काउट गाइड के बच्चों ने मुख्य अतिथि को परेड की सलामी दी। इस अवसर पर विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए तथा सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर ए.के. वर्मा, ए.के. पांडे सहित समस्त शिक्षकगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। जन जहाँ पे हमें पाया, अन्य जहाँ का हमें पाया, वस्त्र जहाँ के हमें पाया, वो है।
करेगा, कैसे करेंगे? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज अपने विद्यालय में 69वीं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं, साथ ही साथ अपने सभी अभिभावकों, बच्चों और शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करते हैं जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में अपने प्रोफेसर रामशरण सिंह जी IIT BHU के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हैं, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उनहत्तरवीं गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं अपने सभी देशवासियों और ग्रामवासियों से ये निवेदन करूँगा कि अपनी स्वच्छता और समाज की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए आगे का निर्णय लेंगे। जय हिंद, जय भारत। चेतगंज स्थित श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद द्वारा आर्य महिला इंटर कॉलेज में धूमधाम से 69वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम महापरिषद के वरिष्ठ सदस्यों ने संयुक्त रूप से झंडोत्तोलन कर दिवस की गरिमा बढ़ाई। सभी ने झंडे को सलामी देते हुए राष्ट्रगान गाया। उसके बाद महापरिषद द्वारा संचालित 5 शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर जनरल सेक्रेटरी शशिकांत दीक्षित, सत्यनारायण पांडे, अनुराग दीक्षित, पूजा दीक्षित, SP श्रीवास्तव, प्रतिभा यादव सहित सभी सदस्य, शिक्षकगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सर्विसेज के वाराणसी मंडल के श्री शुक्ला जी मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों को आशीर्वचन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ में उनकी श्रीमती जी भी हैं और हमारी 5 महाविद्यालय की प्राचार्य अध्यापिकाएं। सूरजकुंड नई सड़क स्थित SBSS इंटर कॉलेज तथा SNKC मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में देश का 69वां गणतंत्र दिवस श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस अवसर पर एक भव्य पथ संचलन विद्यालय के बच्चों द्वारा निकाला गया। इस पथ संचलन में बच्चे विविध आकर्षक ढंग से टीम बनाकर चल रहे थे, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चे परी के रूप में, फ्लावर ग्रुप में, सैनिक ग्रुप में, तिरंगा ग्रुप में बड़े ही मनमोहक लग रहे थे। कुछ छात्र छात्राएं प्रांतीय वेशभूषा में अलग ही अंदाज में दिख रहे थे। इस दौरान अनेक सुंदर झांकियां भी निकाली गई, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई आदि अनेक रूपों में बच्चे सम्मिलित रहे। रैली नई सड़क बिनियाबाग चेतगंज चौराहा होते हुए गुदौलिया लक्सा औरंगाबाद से पुनः विद्यालय परिसर पहुंचकर समाप्त हुई। तत्पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी ने ध्वजारोहण किया एवं बच्चों ने राष्ट्रगान गाया। फिर मार्च पास्ट एवं PT की प्रस्तुति की गई। तत्पश्चात अनेकानेक सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम का समापन कोऑर्डिनेटर रमा श्रीवास्तव ने अपने अभिभाषण के पश्चात धन्यवाद ज्ञापित कर किया। इस दौरान विद्यालय के समस्त शिक्षकगण, कर्मचारी व विद्यार्थीगण मौजूद रहे।
26 जनवरी के शुभ अवसर पर सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया कि हमारे देश के जवान कैसे जो है सरहद पर रह के और देश की रक्षा कर रहे हैं। इसके लिए सोल्जर ग्रुप है, फ्लावर ग्रुप है, एंजल ग्रुप है, भारत माता, गंगा माता, कराटे ग्रुप, तरह तरह के ग्रुप निकाले गए और इस अवसर पे हम सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। 69वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मदर कॉन्वेंट स्कूल की बड़ी पियरी स्थित शाखा में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बीएन श्रीवास्तव व विद्यालय के प्रबंधक संजय श्रीवास्तव द्वारा राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इस दौरान बच्चों ने एक से बढ़कर एक नृत्य गीत संगीत आदि कार्यक्रमों की प्रस्तुति कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यालय के उप प्रबंधक अनुराग श्रीवास्तव व संध्या श्रीवास्तव ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विद्यालय के सभी अध्यापक अध्यापिकाएं व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कॉन्वेंट परिवार की ओर से समस्त काशीवासियों और पूरे देशवासियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। हर साल हम गणतंत्र दिवस के रंगारंग कार्यक्रमों को उल्लास और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस अवसर पे मदर कॉन्वेंट के बच्चे रंग बिरंगे वेश में अच्छे रोचक शिक्षाप्रद और मनोरंजक डांस एंड सॉन्ग्स के साथ एक प्रस्तुति दे रहे हैं। नवादा सुंदरपुर स्थित भाटिया चिल्ड्रन एकेडमी में गणतंत्र दिवस समारोह बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर एस के भाटिया द्वारा ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात अध्यापिकाओं के साथ बच्चों ने राष्ट्रगान गाया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपने शब्दों में कविताओं एवं देशभक्ति के गीतों के माध्यम से देश के प्रति अपने प्रेम को वर्णित किया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा देशभक्ति कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की गई। अपने उद्बोधन में निदेशक एस के भाटिया ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। अंत में बच्चों में चॉकलेट वितरित किए गए। इस अवसर पर एडमिनिस्ट्रेटर कल्पना सिंह सहित समस्त अध्यापक गण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज का गणतंत्र दिवस अपने आप में एक खास गणतंत्र दिवस है, जिसका कि संबोधन हो चुका है। आज देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, उसका एक खास महत्व है। कैरन करियर स्कूल के मनवाड़ी स्थित शाखा में गणतंत्र दिवस जोश उमंग व उत्साह के साथ मनाया गया। स्कूल के डायरेक्टर अंकित मिश्रा व प्रधानाचार्य अरुंधति मिश्रा ने राष्ट्रीय ध्वजोत्तोलन किया। इसके बाद स्कूल के बच्चों ने अनुशासित मार्च पास्ट किया और राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी। इस अवसर पर बच्चों द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की गई। इस दौरान बच्चों को संबोधित करते हुए डायरेक्टर अंकित मिश्रा ने कहा कि यह राष्ट्रीय पर्व उन शहीदों की याद दिलाता है जो देश की आजादी के लिए स्वयं का बलिदान कर दिया था। कार्यक्रम का संचालन अवंतिका श्रीवास्तव ने किया। अंत में सभी बच्चों में मिष्ठान वितरित किया गया। इस अवसर पर सभी छात्र छात्राएं व शिक्षक गण उपस्थित रहे। जरा याद करो।
हम अपनी मड़वाडी शाखा में देश का 69वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मेन मकसद इस दिवस को मनाने का यही है कि आज के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने भारत के ऊपर संविधान जो है लागू हुआ था भारत में, और यही कोशिश होती है कि अपने जो नवयुवक हैं, नए बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनमें ये भावना जगाना और उनको ये एहसास कराना कि कितना कीमती है ये कॉन्स्टिट्यूशन और इस कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना, इस संविधान का ध्यान रखना। पीलीकोठी स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित क्षेत्रीय पार्षद रोहित जायसवाल द्वारा राष्ट्रीय झंडोत्तोलन किया गया। मुख्य अतिथि का स्वागत निदेशक सतीश जायसवाल और प्रधानाचार्य बीना जायसवाल द्वारा उन्हें पुष्पगुच्छ प्रदान कर किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके बाद बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत गीत, नृत्य, संगीत आदि कार्यक्रमों की प्रस्तुति कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी अध्यापक, अध्यापिकाएं व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। पांडेपुर दौलतपुर स्थित वाराणसी पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस उल्लासपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के निदेशक त्रिलोकीनाथ पांडे द्वारा राष्ट्रीय झंडोत्तोलन कर किया गया। इसके बाद सभी ने राष्ट्रगान गाया। बच्चों ने पीटी मार्च पास्ट कर झंडे को सलामी दी। विद्यालय के निदेशक ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज देश के 69वें गणतंत्र दिवस पर अपने राष्ट्र के समस्त नागरिकों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे राष्ट्र के सभी सम्मानित नागरिकगण इस देश की उत्कृष्टता और उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। पांडेपुर दौलतपुर स्थित एलजी पब्लिक स्कूल में 69वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम प्रबंधक जीडी पांडे व प्रधानाचार्य अंशु पांडे द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद सभी ने झंडे को सलामी देते हुए राष्ट्रगान गाया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा विविध कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की गई। इस दौरान सभी अध्यापक गण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सभी इकट्ठा हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एलजी पब्लिक स्कूल में हम सभी गणतंत्र दिवस का 69वां दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और हमारे बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हैं इस पर्व को लेकर के। और इन्होंने यहाँ पर भारत का नक्शा बना करके यहाँ पर ये दिखाया है भारत में कि हमारे भारत में कितनी विविधता है, मतलब डाइवर्सिटी इन इंडिया यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है। हरियाणा की प्रधानाचार्य ऋतु छाबड़ा की स्मृति में गुरुवार को काशी के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों ने शांति सभा की। हरियाणा के यमुनानगर के स्वामी विवेकानंद स्कूल की प्रधानाचार्य ऋतु छाबड़ा की स्कूल के ही एक छात्र ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वाराणसी स्कूल एसोसिएशन की ओर से भारत माता मंदिर में शहर के प्रधानाचार्य व शिक्षक जुटे। मृतक प्रधानाचार्य के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। मोमबत्ती जलाकर दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर प्रार्थना भी की गई। शिक्षाविदों ने छात्र द्वारा प्रधानाचार्य की हत्या करने की इस घटना पर दुख जताया तथा अपील की गई कि हर बात पर स्कूल को दोषी मानने वालों को विद्यालयों, शिक्षकों व प्रबंधन की समस्या पर भी विचार करना होगा। इस अवसर पर समस्त विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं शिक्षक गण उपस्थित रहे। बड़ी दुखद घटना हुई यमुनानगर के एक विद्यालय में और पूरा शिक्षक समाज जिससे स्तब्ध है, दुखी है, रोष में है। और ऋतु जी की जो इस तरह की हत्या हुई है और वो अपनी ड्यूटी कर रही थी, वो बच्चों को दिशा निर्देश दे रही थी और उनको उनके साथ इस मार्मिक जो उनके साथ हुआ है उससे सभी लोग हम लोग मर्माहत हैं। आज काशी के सारे टीचर्स, सारे स्टाफ, सारे प्रिंसिपल्स हम सब यहाँ एकत्रित हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए।
भिखारीपुर स्थित आरएस मेमोरियल एकेडमी व उमाशंकर मेमोरियल में 69वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम विद्यालय के निदेशक वीपी राय द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इसके बाद सभी ने झंडे को सलामी देते हुए राष्ट्रगान गाया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। बच्चों ने देशभक्ति पर आधारित गीत नृत्य कविता पाठ आदि की प्रस्तुति की। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य अर्चना सिंह सहित विद्यालय के समस्त शिक्षकगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। Dr. Bhimrao Ambedkar on 26 January, so we celebrate on this day. This day is the name of Republic Day. Thank you. गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने विद्यालय परिवार की तरफ से सभी काशीवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। इसके साथ ही साथ हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें अध्यापक अध्यापिकाओं ने और बच्चों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग। आज मेरे विद्यालय में बच्चों ने गणतंत्र दिवस पे सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत जोश में प्रस्तुत किया और मैंने बहुत सारे बच्चों को प्राइज़ भी दिया उनके हौसला पे। मैं सभी अपने विद्यालय के सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं को और बच्चों को रिपब्लिक डे की। द स्कॉलर्स होम विद्यालय के प्रांगण में 69वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के निदेशक अरुण सिंह ने ध्वजारोहण कर किया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। विद्यालय के उपनिदेशक वीरभद्र सिंह ने इस अवसर पर विद्यालय के मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य तृप्ति तिवारी ने बच्चों को गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए देशभक्ति को ही सर्वोपरि बताया और सभी को राष्ट्रप्रेम की शिक्षा देना ही शिक्षा का उद्देश्य बताया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक गण छात्र छात्राएं व उनके अभिभावक गण उपस्थित रहे। आप सभी को गणतंत्र दिवस के 69वें पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। ये बात हवाओं को बताए रखना रोशनी होगी चरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। जय हिंद जय भारत। श्री काशी विद्या मंदिर की मछोदरी शाखा में 69वां गणतंत्र दिवस उमंग व उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक रामचरण यादव ने झंडोत्तोलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद बच्चों द्वारा भारत माता की जय के गगनभेदी नारे लगाए गए। इस अवसर पर बच्चों ने देशभक्ति गीत नृत्य आदि एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। इस अवसर पर सभी शिक्षक शिक्षिकाएं व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। प्रति
बनाएंगे तब इनकी बनेगी। हमारा दायित्व बनता है कि हम इन बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जगाते रखें, उसका महत्व इनको पता रहे। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रहलाद घाट स्थित शाखा में 69वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सचिव मुकुल पांडे द्वारा ध्वजारोहण कर किया गया। इसके बाद प्रभात फेरी निकालकर बच्चों ने अपने देश का जय घोष करते हुए क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होकर विद्यालय परिसर में आए। इसके बाद देशभक्ति पर आधारित विविध कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। इस दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे ने बच्चों को देश के प्रति जागरूक रहने एवं समर्पण की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का संचालन चंदन चौधरी, संतोष तिवारी, बेबी पांडे एवं विद्यालय के अन्य शिक्षक गणों द्वारा किया गया। अंत में बच्चों में मिष्ठान वितरित किया गया। इस अवसर पर संचालिका जयशिला पांडे सहित समस्त शिक्षक गण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज हमारा 69वां गणतंत्र दिवस है और वो उल्लास से हम मनाने का प्रयास कर रहे हैं। सारा देश इस समय उल्लासित है। सारे लोगों को ये लग रहा है कि हमारा भारत आज़ादी के 69वें और गणतंत्र के 69वें वर्ष को सेलिब्रेट कर रहा है। ऐसे समय में हम अपने अभिभावकों को, काशीवासियों को, अपने बच्चों को और अध्यापक अध्यापिकाओं को, समस्त राष्ट्र के लोगों को हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं। पिशाचमोचन रमाकांत नगर कॉलोनी स्थित बसंत पब्लिक स्कूल में देश के 69वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक लालजी यादव ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इसके बाद विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय राजाराम यादव एवं स्वर्गीय कलावती देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इसके बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रस्तुतीकरण किया गया। कार्यक्रम के अंत में शैलेश यादव ने बच्चों को गणतंत्र दिवस के महत्व के बारे में बताया तथा निदेशिका करुणा यादव ने समस्त छात्र छात्राओं एवं विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में शिवानी यादव, सीमा पांडे, प्रतिभा पांडे, शैलेश यादव सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। नया सवेरा एक नई किरण के साथ, नया सवेरा एक नई किरण के साथ, नया दिन एक प्यारी मुस्कान के साथ, नया दिन एक प्यारी मुस्कान के साथ, आपको ये नया साल मुबारक हो मेरी ढेर सारी दुआओं के साथ, मेरी ढेर सारी दुआओं के साथ। मैं गणतंत्र दिवस पर एक बार तहे दिल से मैं पूरे भारतवासी को, बसंत पब्लिक स्कूल के स्टाफ को, बच्चों को, गार्जियंस को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अपने देश के लिए दो शब्द मैं कहना चाहूँगी। वतन
हमारा मिसाल मोहब्बत की, वतन हमारा मिसाल मोहब्बत की, तोड़ता है दीवार नफ़रत की, तोड़ता है दीवार नफ़रत की। मेरी खुश नसीबी, मेरी खुश नसीबी मिली ज़िंदगी इस चमन में, मेरी खुश नसीबी मिली ज़िंदगी इस चमन में। भुला न सके, भुला न सके कोई इसकी खुशबू सातों जन्म में, भुला न सके कोई इसकी खुशबू सातों जन्म में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एवरी सिटीजन्स। राज इंग्लिश स्कूल की पहाड़िया शाखा के प्रांगण में भारत का 69वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज ग्रुप ऑफ स्कूल के निदेशक डॉ. हरिओम सिंह ने प्रांगण में ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात गार्ड ऑफ ऑनर व विद्यालय के स्काउट गाइड ने मार्च पास्ट किया। विद्यालय के सभागार में स्वतंत्रता सेनानियों के चित्रों पर माल्यार्पण किया गया। दीप प्रज्वलन के बाद गीत के माध्यम से अतिथियों का स्वागत हुआ। इस अवसर पर निदेशक डॉ. हरिओम सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि 68 वर्षों की अवधि में भारतीय गणतंत्र का विकास हर क्षेत्र में हुआ है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में भारत निसंदेह एक विश्व शक्ति बनकर संसार के समक्ष आएगा। वहीं प्रधानाचार्य बीके मिश्रा ने अपने भाषण में देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना दी। उन्होंने छात्र छात्राओं को प्रेरित किया कि वे एक अच्छा व देशभक्त नागरिक बने। इसके बाद छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के भाव से भरा गीत ताकत वतन की प्रस्तुति की। साथ ही आई लव माई इंडिया और देश रंगीला आदि गीतों पर आकर्षक नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रत्नेश दुबे सहित विद्यालय के सभी अध्यापक अध्यापिकाएं व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज हमारे विद्यालय में रिपब्लिक डे 26 जनवरी बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बच्चे बहुत काफ़ी हर्षोल्लास में हैं। हमारे बच्चे बहुत किस्म के प्रोग्राम आज तैयार किए हैं। इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर बच्चे गीत तैयार किए हैं, डांस तैयार किए हैं, एक्टिंग तैयार किए हैं और हम इन सब सारे एक्टिविटीज़ के माध्यम से उनके अंदर ये डालने की कोशिश करते हैं ताकि वो समझे कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और ये गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं। नखीघाट स्थित सालवान पब्लिक स्कूल में 69वां गणतंत्र दिवस उल्लास पूर्वक मनाया गया। सर्वप्रथम विद्यालय की निदेशिका ज्योति अरोड़ा द्वारा राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद सभी ने राष्ट्रगान गाकर झंडे को सलामी दी। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों द्वारा गीत नृत्य संगीत आदि एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुति कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। इस दौरान ज्योति अरोड़ा ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम की सराहना करते हुए सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक गण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। Liberty, equality, and fraternity
and also ensures the dignity of the individual by conferring fundamental rights upon the freedom with one stroke. It abolished all distinction of status, rank, creed and color. बड़ा लालपुर स्थित असल कॉन्वेंट स्कूल में 69वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निदेशक राजेश मिश्रा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। बच्चों ने झंडे को सलामी देते हुए राष्ट्रगान की प्रस्तुति की। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य रेणु मिश्रा ने बच्चों को गणतंत्र दिवस के महत्व के बारे में बताया तथा सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में सभी अध्यापक गण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। लंका स्थित ग्लोरियस एकेडमी स्कूल में 69वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक गिरीश चंद तिवारी द्वारा राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद बच्चों द्वारा राष्ट्रगान की प्रस्तुति कर पीटी मार्च पास्ट कर झंडे को सलामी दी गई। इस अवसर पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति गीत नृत्य आदि कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। इस दौरान शुभम तिवारी सहित विद्यालय के सभी शिक्षक गण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। को फिर धन्यवाद देता हूं और इसके साथ ही साथ महाल स्थित लर्निंग पॉइंट किड्स एकेडमी में देश का 69वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक सौरभ श्रीवास्तव रहे। उन्होंने ध्वजारोहण कर विद्यालय के छात्र छात्राओं को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर क्षेत्रीय सभासद चंद्रनाथ मुखर्जी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की निदेशिका विनीता गौड़ के स्वागत भाषण से हुई। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के गीतों पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। साथ ही विद्यालय में हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रश्मि बोस, विद्यालय की कोऑर्डिनेटर शिवानी गौड़ सहित समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। शिवपुर स्थित बसंत अकेडमी हाइट्स स्कूल में 69वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ध्वजारोहण का कार्यक्रम विद्यालय के प्रांगण में चेयरमैन इंजीनियर अशोक यादव व निदेशिका उमा यादव द्वारा किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा नृत्य, भाषण, गीत, संगीत इत्यादि कार्यक्रमों की मनोहारी प्रस्तुति की गई। इस दौरान इंजीनियर अशोक यादव ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। अंत में बच्चों में मिष्ठान वितरित किया गया। कार्यक्रम में अशोक कुमार मिश्रा, श्रुति जायसवाल, शिल्पी केशरवानी, अंकित गुप्ता सहित समस्त शिक्षकगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी काशीवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत एकेडमी हाइट्स जो आप बोले रहे वाइट दिए ना बच्चे में आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस को मनाया गया। और गणतंत्र दिवस को ही नहीं, जिस तरह से हम सारे ही पर्वों को मनाते हैं, दशहरा, दिवाली और होली, उसी तरह ये हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। इसे भी हमें उसी हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए और इस तिरंगे के हमेशा ये कट कर दीजिएगा। आज हम सभी बच्चे प्रण करते हैं कि तिरंगे की आन बान और शान का हमेशा ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ ही आज का यह कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बसंत अकेडमी हाइट्स स्कूल परिवार बड़े हर्षोल्लास के साथ 69वां गणतंत्र दिवस को विद्यालय में मनाया गया और साथ ही साथ हम सभी देशवासियों को भी गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। और आज विशेष तौर से बच्चों को देश हित राष्ट्र हित पे काम करने के लिए प्रेरित किया गया और साथ ही साथ स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान देने की बात कही गई, जो हमारे देश की ज़रूरत भी है। और जिस दिन हम स्वच्छ भारत का सपना पूरा करेंगे उस दिन हमारा देश दुनिया में सबसे आगे होगा। यही सब शब्दों के साथ मैं सभी बच्चों को आज बधाई भी दिया और साथ ही साथ बच्चों को मिष्ठान वितरण हुआ, बच्चे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। कमच्छा प्रिया अपार्टमेंट केटीवी ऑफिस के प्रांगण में उल्लासपूर्वक 69वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम झंडारोहण किया गया, इसके बाद सभी ने झंडे को सलामी देते हुए राष्ट्रगान गाया। इस दौरान विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें अपार्टमेंट के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों ने विभिन्न देशभक्ति गीत नृत्य की प्रस्तुति की, साथ ही क्विज प्रतियोगिता में बच्चों के साथ बड़ों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर अपार्टमेंट के सभी सदस्य उपस्थित रहे। आज देश में भारत में 69वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, उस उपलक्ष्य में प्रिया अपार्टमेंट में इसका आयोजन किया गया जिसमें झंडा फहराया गया और बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है जो अभी चल रहा है। और इसी साथ में सबको जो है गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ और आने वाले समय में लोग सुखी रहे, समृद्ध रहे और एकता के साथ देश आगे बढ़ता रहे। DLW लहरतारा रोड स्थित डिवाइन सैनिक पब्लिक स्कूल में 69वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के इतिहास विभाग के प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह द्वारा झंडा रोहण कर किया गया। इसके बाद उन्होंने झंडे को सलामी दी। इसी क्रम में शारीरिक व्यायाम एवं मशाल दौड़ का आयोजन हुआ। इसके बाद मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। इस अवसर पर बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए जिनका आगाज गणेश वंदना से हुआ। इसके बाद बच्चों ने नृत्य, कैनवास पेंटिंग, हिंदी भाषण आदि की प्रस्तुति की। इस दौरान बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने विद्यालय के समस्त उपस्थित बच्चों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। कार्यक्रम में संस्था के निदेशक एसएन सिंह, प्रधानाध्यापिका डॉ. नविता श्रीवास्तव, गरिमा सिंह सहित समस्त शिक्षक गण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। Now we'll start the... तुझे नाम घेरी विश्वाचा पालक तू नायक गणांचा नातीत गुणमय तू गुरु ध्यानदाता विश्वाचा पालक तू नायक गणांचा नातीत गुणमय तू गुरु ध्यानदाता। जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हम सभी पूरे देशवासियों को समाज की तरफ अपना रुख करना चाहिए, देश को एक साफ़ सफाई की ओर ले जाना चाहिए। और जिस तरह से हमारे देश का नाम चारों तरफ लहरा रहा है, उस तरह से साफ़ सफाई के में भी हमारे देश को आगे बढ़ना चाहिए और इसमें स्वच्छ एक समाज की स्थापना करनी चाहिए। सिग्रा स्थित संजय सिटी मॉडल स्कूल में 69वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम विद्यालय के नर्सरी के बच्चों ने रस्सी खींचकर झंडे को फहराया, तत्पश्चात राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत गाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए विद्यालय की प्रधानाचार्य शालिनी सिंह ने विद्यार्थियों को देश के योग्य नागरिक बनने का संदेश दिया। विद्यालय के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने अपने गीत नृत्य व कविताओं के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। सभी कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के शिक्षक व शिक्षिकाओं ने कुशलता पूर्वक किया। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण किया गया और भीमराव अंबेडकर इसके प्रमुख बने और इन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन लेते हुए भारत के संविधान का निर्माण कराया और इसे 26 नवंबर 1949 को हमारे जो संसद थी, पार्लियामेंट थी, उसने एक्सेप्ट कर लिया और भारत को रिपब्लिक
गणतंत्र घोषित किया गया। सिगरा स्थित सेंट मरियम स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। विद्यालय के निदेशक मनोज श्रीवास्तव ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों की मनोहारी प्रस्तुति की गई। बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम की सभी ने सराहना की। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। रिपब्लिक डे पे विद्यालय परिवार की तरफ से समस्त काशीवासियों एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैमूरगंज स्थित दिशा कॉन्वेंट स्कूल द्वारा मैमूरगंज स्थित एक लॉन में 69वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निदेशिका पूजा पांडे द्वारा ध्वजारोहण किया गया। बच्चों ने झंडे को सलामी दी व राष्ट्रगान की प्रस्तुति की। इस अवसर पर बच्चों द्वारा कला व विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक चित्रों मॉडलों को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी का सभी ने अवलोकन किया तथा बच्चों की प्रतिभा की खूब सराहना की। इस दौरान सभी शिक्षकगण, छात्र छात्राएं व उनके अभिभावकगण मौजूद रहे। आज हमारा ये समारोह जो है मैं वो रिपब्लिक डे को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ ही साथ बच्चों का साइंस एग्जीबिशन लगा है, जिससे हमारे बच्चे अपना टैलेंट, क्योंकि आज सबसे बड़ी ज़रूरत हमारे देश को वैज्ञानिकों की है और ये हमारे सारे बच्चे उसी दिशा में अपना काम कर रहे हैं। और हम सबसे इस बात की हमें खुशी है कि हमारे सारे अभिभावक भी आए हुए हैं जो इन बच्चों का प्रोत्साहन कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे चेयरमैन ने अपना भरपूर समय दिया। शिवपुर बाईपास स्थित तोमर चिल्ड्रन स्कूल में 69वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय की अध्यक्ष शांति सिंह के द्वारा झंडा फहराया गया। तत्पश्चात प्रबंधक, उप प्रबंधक व प्रधानाचार्य द्वारा दीप प्रज्वलन कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया, जिसमें बच्चों ने विभिन्न देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम की प्रस्तुति की। विद्यालय की प्रधानाचार्य ने अपने उद्बोधन में इस दिवस की सार्थकता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन धनंजय सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर समस्त शिक्षकगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। बच्चों, आप लोग को अभी नाश्ता देंगे और उसके बाद आप सभी शहरवासियों को 69वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और हम ये उम्मीद करते हैं कि संविधान के अनुरूप हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, निर्वहन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। दारानगर स्थित सीवन इंस्टीट्यूट में 69वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ जनों द्वारा ध्वजारोहण किया गया तथा राष्ट्रगीत गाते हुए झंडे को सलामी दी गई। इसके बाद इस अवसर पर उपस्थित इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ जनों द्वारा ध्वजारोहण किया गया तथा राष्ट्रगान गाते हुए झंडे को सलामी दी गई। इसके बाद इंस्टीट्यूट के बच्चों के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम की सभी ने सराहना की। इस दौरान निदेशक राणा रणवीर सिंह ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संस्थान के सभी शिक्षक गण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। और ऐसी उम्मीद करता हूं, ऐसी अपील करता हूं कि हम अपने भाईचारे, अपने सौहार्द को पूरी दुनिया में इसी तरह फैलाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है। इस गणतंत्र दिवस संग बेटी बचाने के संदेश के साथ कन्या भ्रूण हत्या रोकने में 2001 से मुहिम चला रही आगमन सामाजिक संस्था द्वारा अपने आयोजन मोहल्ला मोहल्ला गांव गांव अभियान के तहत शहर के कैंटोनमेंट स्थित फिक्स माई लाइफ संस्था के कार्यालय पहुंची, जहां फिक्स माई लाइफ और आगमन के सदस्यों ने बच्चों संग झंडारोहण किया तथा उपस्थित लोगों को जादूगरी के माध्यम से बेटियों के महत्व को समझाया। इस अवसर पर डॉक्टर संतोष ओझा, जादूगर जितेंद्र, रजनीश सेठ, शिव कुमार, हरीश शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। गुरुबाग रथयात्रा स्थित ग्रीनफील्ड किंडरगार्टन स्कूल के प्रांगण में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ चेयरमैन एसके चौधरी द्वारा ध्वजारोहण एवं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस व इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर उप प्रबंधक निहारिका चौधरी भी उपस्थित रहीं। विद्यालय की प्रधानाचार्य मधुमिता चौधरी ने अपने स्वागत भाषण में गणतंत्र दिवस के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि शुरू से ही इस विद्यालय का उद्देश्य रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को आदर्श माहौल में शिक्षा की नींव रखी जाए।
साथ ही उनका मानसिक, शारीरिक व सामाजिक सर्वांगीण विकास हो। इस अवसर पर बच्चों द्वारा राष्ट्रगीत की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में वरिष्ठ अध्यापिका अर्चना सिंह, रतनमाला आचल सेठ, शोभना शुक्ला, नेहा सिंह आदि शिक्षिकाएं व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। 69वें गणतंत्र दिवस में आपको शुभकामनाएं देता हूं और ये कामना करता हूं कि ये गणतंत्र हमेशा बरकरार रहे और आज के जो बच्चे हैं कल के हमारे भविष्य हैं। सिग्रा स्थित भारत माता मंदिर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर निगम व महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग की ओर से विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा 300 मीटर के कैनवास पर महापुरुषों व शहीदों के चित्र बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने कलाकृतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर अशोक कपूर ने बताया कि इस कैनवास को प्रधानमंत्री को सुपुर्द किया जाएगा। इस अवसर पर कई लोग उपस्थित रहे। 26 जनवरी आज गणतंत्र दिवस पर, क्योंकि भारत माता मंदिर अपनी पुरानी धरोहर है और भारत माता से ही संबंधित है गणतंत्र दिवस भी, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ आर्ट से रिलेटेड ऐसी चीज़ किया जाए। पिछले वर्ष नगर निगम ने ये प्रयास शुरू किया था, इस वर्ष किसी कारणों से लेट हो रहा था, तो सुनील जी के ही नेतृत्व में हुआ था पिछले वर्ष और इन्होंने कहा कि आप हमारे साथ जुड़िए, तो नगर निगम को हम लोगों ने कहा और नगर निगम ने सहर्ष स्वीकार किया। फेरी पटरी ठेला व्यवसाय समिति द्वारा इंग्लिश लाइन स्थित जवाहर मार्केट में झंडारोहण कर गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सचिव अभिषेक निगम द्वारा ठेला पटरी व्यवसायियों में डस्टबिन वितरित कर उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इसके बाद कलाकारों द्वारा देशभक्ति गीत की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर राजेंद्र सिंह, रामचंद्र प्रजापति, बाकेलाल, नूर मोहम्मद आदि व्यवसायी उपस्थित रहे। मलदहिया लोहा मंडी स्थित आईसे के संस्थान में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। संस्थान के संस्थापक श्याम प्रसाद एवं अध्यक्ष SN वर्मा ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थान में छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय गीत एवं नाटक प्रस्तुत किया। इस दौरान संस्थापक श्याम प्रसाद ने छात्र छात्राओं को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी तथा रोजगार परक शिक्षा ग्रहण कर देश से बेरोजगारी दूर करने का आह्वान किया। समारोह में सुरेंद्र कुशवाहा, आलोक कुमार सहित समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। ऐसे की विगत 21 वर्षों से 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा तोलन का कार्यक्रम करती है और साथ में बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, जिसे पूरे समाज और देश का एक संदेश जाता है कि समाज को किस तरह से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सिग्रा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में उत्तर प्रदेश मुक्केबाजी संघ व खेल निदेशालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 33वीं प्रदेश स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग बालक मुक्केबाजी प्रतियोगिता के दूसरे दिन शुक्रवार को विभिन्न टीमों के बीच मैच खेला गया। प्रतियोगिता में 16 मंडल व 2 हॉस्टल की टीमों के लगभग 300 बॉक्सर प्रतियोगिता में भाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता का समापन आगामी 28 जनवरी को किया जाएगा। इस दौरान SS मिश्रा, उपेंद्र पांडे, शशि प्रताप सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं KTV।